बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। बिजनौर के मंडावर में हुई 4 महीने पहले हुई चौकीदार की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें कि 4 महीने पहले चोरी करने आए अपराधियों को चौकीदार द्वारा पहचान लिया गया था, जिस कारण चौकीदार की लाठी डंडों से पीटकर की हत्या। पुलिस के काफी प्रयास बाद मरने वाले अपराधी वे चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर जेल भेज दिया है। लुटकर फरार हो गया था, इसका खुलासा किया गया है। क्या है पूरा मामला? विगत वर्ष 7-8 अगस्त की रात में मंडावर थाना क्षेत्र में गंगा किनारे एक डेरे पर चौकीदार की हत्या कर दी गई थी। बाद में पता चला कि एक ट्रैक्टर भी वहां से चोरी गया है। थाना मंडावर पुलिस थानाध्यक्ष श्यामवीर सिंह के नेतृत्व में और हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम लगातार इस घटना के खुलासे के लिए लगी हुई थी। इस घटना का खुलासा बीती रात इंदरजीत उर्फ इंदरवीर की गिरफ्तारी के साथ हुआ। इन्होंने बताया कि हम लोग यहां सुकरताल आते हैं किसी काम से और इनका डेरा वहीं पे जहां पे हत्या हुई थी उसी के पास है। उस रात वहां पे 4 लोग आए, ट्रैक्टर ले जाने का प्रयास किया, उसी दौरान चौकीदार जग गया, चौकीदार को बांध के इनमें पीट दिया उसे और पीट के ट्रैक्टर लेके चले गए। बाद में इनको पता चला कि चौकीदार की मृत्यु हो गई है तो इन लोगों ने ट्रैक्टर को छुपा दिया था। कल रात में गिरफ्तारी की गई जिसमें एक ये इंद्रजीत है और एक बाल अपचारी इसके साथ है। 3 लोग इसमें और हैं जो तेज प्रताप उर्फ गोल्डी और भोखलहेड़ी गांव है जो थाना भोपा का, वहां का एक हितेश, उसके साथ एक बबलू। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारे वांछित अभी हैं जिनका खुलासा हुआ है आज। ये एक अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है, बाल अपचारी को भी सुसंगत धाराओं में उसको भी न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।